ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। राजधानी दिल्ली के शाबाद डेरी इलाके में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पेट्रोलिंग करते हुए कांस्टेबल की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर खुद पुलिस को ही धमकी देने लगे। हालांकि सभी अपराधी नशे में धुत थे। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाद में अपराधियों को हिरासत में भी ले लिया गया। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश राणा की एक खास रिपोर्ट। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। ये देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का वीडियो है, जिसमें दो पुलिस कांस्टेबल एक अपराधी से अपनी सर्विस रिवॉल्वर वापस छीन रहे हैं। दरअसल ये मामला है 18 जुलाई का, जब कांस्टेबल कालीचरण ने गश्त के दौरान कुछ लोगों को नशे में धुत पाया। इस पर कांस्टेबल कालीचरण ने अपने साथी कांस्टेबल योगेश को भी कॉल कर बुलाया, लेकिन पुलिस का समझाना इन लोगों को रास नहीं आया और पुलिस पर ही इन्होंने हाथापाई कर दी और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। हद तो तब हो गई जब अपराधी ने कांस्टेबल कालीचरण की सर्विस रिवॉल्वर ही निकाल ली और गोली चलाने की धमकी भी देने लगा। सदैव आपके साथ और रक्षा का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस के दो जवान किस तरीके से एक युवक के आगे बेबस और लाचार दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मामले पर आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि घटना 18 जुलाई की है। ललित पासवान नाम का युवक जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो आरोपी ने कालीचरण से पिस्टल छीन लिया और खुद को मारने की धमकी देने लगा, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों ने धैर्य से काम लिया ताकि कोई हानि न हो और इलाके में किसी ने वीडियो बना लिया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ललित पासवान को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की वारदातें ये सवाल जरूर उठाती हैं कि इन अपराधियों को इतना हौसला आखिर मिलता कहां से है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए शाहबाद डेरी से मुकेश राणा की रिपोर्ट।